हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले जो मित्र नए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। आज हम आपके लिए लेके आए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्पेशली हाई कोर्ट RO के लिए। आइए देखते हैं। पहला है, सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर व प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो वो उसका उत्तर होगा मॉनिटर। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है, तो ये मॉनिटर होगा। अगला प्रश्न है, पिक्सल क्या है? तो पिक्सल जो है वो स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं पिक्सल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं रेजोल्यूशन। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है विकर्ण में, डायगनली मेजर करते हैं इसको। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है, तो वो है प्रिंटर की। मुद्रण को मापने वाला वाले पैमाने DPI का अर्थ क्या होता है, तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स या फिर DJ व्हील प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर, ज़्यादातर लेजर प्रिंटर का ही यूज होता है। एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त क्या होता है, सेमीकंडक्टर लेजर। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु जो यूजर होता है वो इसका कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता है। डंब टर्मिनल क्या है, तो डंप टर्मिनल को नगर इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉ डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, तो इन्हें पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है, तो इसे इनपुट कहते हैं। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, इनपुट उपकरण। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं, मॉडेम। मॉडेम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को क्या कहते हैं, इन तीनों कीज को मॉडिफायर की कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर क्या कहलाते हैं, तो इनको हार्डवेयर भी कहते हैं। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, वो है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, उसे स्टाइल्स कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसी हिसाब से वो उसको सर्च करके स्क्रीन पे आ जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।